हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रद्धा स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल ब्लॉग्स टू मैक थिंग में। आज का मेरा टॉपिक है परसेप्शन मैटर्स अ लॉट, दैट मींस हमारे नजरिए का महत्व। दोस्तों, परसेप्शन का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है हमारे देखने का नजरिया। दैट मींस हमारे सामने कोई वस्तु रखी है तो हम उसे किस प्रकार से देखते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव तरीके से। जैसे एक टेबल पर आधा ग्लास पानी भरा हुआ है तो एक व्यक्ति ने कहा कि यह तो ग्लास आधा भरा हुआ है, वहीं दूसरे व्यक्ति ने कहा ये ग्लास तो आधा खाली है। चीजें सेम ही थी पर दोनों का देखने का नजरिया अलग अलग था। एक ने उसे पॉजिटिव तरीके से देखा तो दूसरे ने उसे नेगेटिव तरीके से देखा। ठीक वैसे ही आज हम बात करेंगे रेड कलर के बारे में। एक और जहाँ रेड कलर को नेगेटिव और डेंजर साइन माना जाता है, वहीं दूसरी ओर रेड कलर को अत्यंत ही शुभ माना जाता है। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही पहलवे पहलू में हम बात करेंगे पॉजिटिव रेड की। दोस्तों, वैसे तो लाल रंग प्यार की निशानी भी माना जाता है, पर रेड कलर को अत्यंत ही शुभ व अति फलदायक भी माना जाता है। और हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार रेड कलर सबसे शुभ होता है। जहाँ एक स्त्री के लिए यह रंग में अर्थात लाल रंग में उसका पूरा संसार बसा होता है। लाल रंग सुहागन स्त्रियों का प्रतीक होता है। जैसे शादी के जोड़े का रंग लाल, शादी के चूड़े का रंग लाल, बिंदी कुमकुम का रंग भी लाल और महावर का रंग भी लाल ही होता है। इस लाल रंग के बिना उसकी दुनिया बेरंग सी होती है। और किसी भी पूजा के फंक्शन में हिंदू धर्म में लाल रंग के पहनावे को ही शुभ माना जाता है। अब हम बात करेंगे सिक्के के दूसरे पहलू की, दैट मींस नेगेटिव की। यहाँ रेड एक डेंजर सिंबल होता है, जिसे रेड का मतलब होता है स्टॉप करना या डिस्ट्रैक्ट करना। ठीक वैसे ही आप देखेंगे कि ट्रैफिक रूल्स के पालन में भी आप रेड कलर को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, वरना आपको भुगतान करना पड़ता है। ठीक वैसे ही जिंदगी में भी रेड सिग्नल पर हमें रुकना ही होता है या ठहरना ही होता है। ठीक ऐसे ही स्टूडेंट अपनी मार्कशीट में रेड कलर से घबराते हैं, जो कि फेल होने की निशानी होती है। इस वीडियो में हमने देखा कि हमारी सोच व हमारे देखने का नजरिया ही हमारे सामने वैसी ही चीजों को प्रकट करता है जैसे हम उसे इमेजिन करते हैं। तो हमें अपने में पॉजिटिव परसेप्शन को डेवलप करना चाहिए, ना कि नेगेटिव को। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर मेंशन करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।